बस अभी मैं आ चुकी हूँ आके, बस मैंने चेंज किया। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है जिसकी कोई हद नहीं। तो हमारे स्कूल में भी अब स्टोरेज वाली दिक्कत हो चुकी है। मतलब स्टोरेज तो इसमें फुल है, फ़ोन फुल खाली पड़ा है, लेकिन आई क्लाउड है ना जो, वो फुल हो चुका है। तो आई क्लाउड की वैसे भी कोई ज़रूरत तो है नहीं, बट अगर इफ अगर आगे पड़ती है तो पर मंथ फिर वो पे वाला होगा। और मैं आई हूँ तो हमारी आधी टाइलें लग चुकी है, और सुबह हमने 10 कट्टे मंगवाए थे सीमेंट के, वो तो मैंने आके गिना। मैं मम्मी को कह रही हूँ मैं 4 कट्टे यूज़ भी हो गए, मम्मी कह रही है 6 बज गए। तो बोलना ना पड़ेगा मिस्त्री तो घर में लगाने चाहिए, दलिया काट दे है भाई, जमा का सूती तरिया ठीक लग, टाइल कैसी लग रही है ऊपर? टाइल तो सारा कुछ दोबारा रंग होगा, दोबारा काम खराब होगा, जैसे इस घर का होता वो नीचे लगी होगी दीवारों के ऊपर, हाथ पैर लग गए दोबारा से, दोबारा एक हाथ और मार के जाओगे तो ये दिक्कत तो होती है। फिर वॉल पुट्टी एक फिर से लगवानी पड़ेगी दोबारा से, तो रंग तो वैसे छोड़ रखा है एक बार करने के लिए, रंग तो करवाना नहीं लेकिन वाइट छुड़वाना है। सज जाएगी वॉल पुट्टी करवा देती हूँ फिर नहीं होगा काम, अब दोबारा फिर दोबारा से फिर एक बात करेगा। साथ ऐसा ही होता है, मैं सोचा आपके बाद डबल पैसे नहीं लगाएंगे, फिर से डबल लग गए। मम्मी ने वॉल पुट्टी, वैसे ये गलती तो आपने की, वॉल पुट्टी तो पहले लगवानी चाहिए थी, क्योंकि अब मिस्त्रियों के बार बार वो कट्टे वगैरह रखते हैं सामान दीवार पे हाथ लगते हैं। बोला मैं 16,000 में काम करके जाऊंगा, मैं कठी फिर मैंने अब बिजली वाला बोला है, उसने 4:30 में सारा कंप्लीट बोला कर दिया, काम कर दिया, फिटिंग हो गई सारी, मैं तो करके चले गया, कल 1 घंटा और लगाएगा बस 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 बस। तो फिर और 16 का भी होता है, फिर 4 में कराया तो फिटिंग तो सेम ही होती है, बिल्कुल सेम होती है। अब गाइस रात काफी हो चुकी है, सो जाते हैं, 10 बज गए हैं, और लाइट सारी बंद कर रखी थी, लाइट अब चालू करी है क्योंकि ना इतने मच्छर आ रहे, इतने मच्छर है इसी उतरवा दी, और इतनी गर्मी हो रही है बेहद ज्यादा गर्मी। और कर लेके आऊंगी मैं तार, जो कि हम कूलर लगा ले, कूलर नहीं लगेगा क्योंकि घर स्विच नहीं है, कल ऐसा जुगाड़ करने पड़ेगा जैसे कि कूलर चल जाए और अब अंदर सो जाते हैं। हेलो गाइज, आप सब कैसे, उम्मीद करते हैं मजे में होगे। तो अगला दिन स्टार्ट हो चुका है, अब काम कर लगूंगी मैं, बहुत बुरी हालत हो रही है भाई, मेरा तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, पैरों में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, और ये देख लो इतना खिंडा पड़ा है, ये देख लो बहुत बुरी हालत। और मैं पहले रसोई नहीं सुनवाती थी, रसोई में बहुत बुरी हालत हो रही है, और मैंने चाय पी ली सुबह सुबह उठकर, और ये मैंने छोले चढ़ा दिए है, और ये मैं सारी चीजें डिब्बे में पैक कर रही हूँ क्योंकि सारे के सारे सील रहे हैं। इसमें बिस्किट रख दिए, इसमें मट्ठी रख दी, और ये इसमें डाल दूंगी, और ये और चीज में डाल दूंगी, सारी चीजें पैक कर देती हूँ। तो ये मैंने सारा पैक कर दिया, इसमें है बिस्किट, इसमें भुजिया, इसमें भुजिया, इसमें भी भुजिया बिस्किट, और इसमें बिस्किट, इसमें मट्ठी, और सारे इसमें घेवर है, सारी चीज़ें मैंने पैक करके रख दी क्योंकि 50 थैली हो रही थी, और नीचे दिख रहे होंगे उधर बिस्कुट रख दिए मैंने, पूरा ही क्लीन कर दिया मैंने, और सफाई करने के बाद ये रंग पेंट हो जाएगा ना सारा, ये सारा रंग पेंट हो जाएगा तो सारे ड्रॉर ड्रॉर सब सब कुछ साफ होगा। और झाड़ू तो मैंने निकाल दी, पोछा मैं लगाऊंगी क्योंकि है ना काम सारा का सारा फिर पेट पैर अंदर हो गया क्योंकि मैंने अभी झाड़ू निकाली थी, और अंदर अंदर कमरे में पोछा लगाऊंगी। और ये मंदिर है ना आज मैं खाली करने वाली हूँ क्योंकि मंदिर माता जी है ना इसके अंदर बिल्कुल घुसी बैठी है लक्ष्मी माता जी, तो बाहर किसी चीज़ पे बिठाऊंगी, ऊपर फिर इनका मंदिर बन रहा है तो ऊपर बिठाऊंगी माता जी को। और गाइस ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा क्योंकि है ना आपकी गंदे गंदे कमेंट आते हैं ना, बहुत गंदे लगते हैं बहुत ज़्यादा, और किस बात पर कर रहे हैं मुझे तो यही नहीं पता किस बात पर आप गंदे कमेंट कर रहे हो किस बात पर नहीं। तो बस अब रूटीन से ना डेली से अच्छे से ब्लॉग बनाया करेंगे, बहुत सुन लिया भी अच्छे से एंजॉय करेंगे, और शॉर्ट वीडियो डालनी चालू कर देंगे, सिर्फ 3-4 दिन का काम हो रहा है क्या, उसके बाद ना मैं 4-5 साल के बाद ही छिड़वाऊंगी, तनु की शादी होगी ना उस टाइम पे फिर मैं इसका रंग पेंट करवाऊंगी, इतना कुछ भी नहीं करवाऊँ क्योंकि अब सारा काम कम्प्लीट हो रहा है, सारा का सारा, ऊपर का भी बाहर का भी अंदर का भी सारा कम्प्लीट हो रहा है क्योंकि मैंने लोन लिया था, अब 2 लोन लिए मैंने 50-50 हज़ार की, तो उससे मैं सारा कंप्लीट करवा देती हूँ। देखो कर जाता है 1 मिनट में उतर जाता है, और काम है ना अब हो गया तो हो गया, पीछे तो पीछा ही है। अब मैंने लोन मेरा कल पास होया है तो अपना ना काम कंप्लीट करके, और फिर अपने 4 साल अपना छिक के कमाएंगे, और फिर तनु की शादी करेंगे, नहीं कमाता रहेगा ना, कर्जा 1 सेकंड में उतर जाता है अगर कमाई तो। अब दिन रात सिलाई करेंगे, दिन रात वीडियो बनाएंगे, तो अपना 1-3-4 महीने में उतर जाएगा, मतलब बोले 12 किस्त बनी है कि कितनी बनी है, तो 1 साल लगेगा तो सारा कंप्लीट, क्योंकि मैंने मशीन पे लोन पे उठाई है, मशीन का भी उतर जाएगा। और सिर पर लगा लिया मैंने तेल, सरसों का लगाया है, और मेरे यही सूट करता है सरसों का तेल, और तनु वो लेके आई थी अनानास लेके आई थी ना, वो सारे के सारे है ना खराब हो चुके, पता नहीं इतनी गर्मी थी कल तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अब सिर पर तेल लगाऊंगी 2 घंटे, उसके बाद सिर वॉश करके और फिर पूजा करूंगी। इधर मेरी बन रही है छोले की सब्जी, ये छोले बना देती हूँ, ये निकाल दूंगी, ये प्याज टमाटर के साथ तनु खा लेगी, इसकी बुआजी खा लेगी।
तिल खाने का दिल कर रहा है, इन तिलों ने पीस के खांड कुंड गेर कर जब खाऊंगी अच्छे से, क्योंकि एक बार सफाई वगैरह हो जाएगी जब। और ये बहुत बुरी हालत भाई, देखी नहीं जा रही, पैर भी नहीं टिक रहा है। मैं छोड़ के शॉप पे भी किस तरह जाऊं, क्योंकि एक एक मिनट में मिस्त्री संभालने पड़ते हैं। इसी को अजनूली मैं संभाल लूंगी, तू चली जा। तो भाई हाथ पैर लगाने का दिल नहीं कर, पूरे 10 दिन लगेंगे घर में, पूरे 10 दिन। तो मैं ये सोच रही हूँ कि कल की छुट्टी है, कल शनिवार है, तनु रहेगी तो घर पे तनु रह जाएगी, मैं चली जाऊंगी। तो देखते हैं इसकी बुआ जी रहेगी क्या करेगी, फिर मैं शॉप पर जाना पड़ेगा भाई। मुझे कई दिन हो चुके हैं काम छोटे हुए। लोग ये सोचते हैं कि इसने कमा कर नहीं खाना, खाना तो है, क्या करूँगा, करने वाला नहीं है घर में, इसलिए मैंने करना पड़ रहा है। अभी शाम के बाद बच चुके, ऊपर का जो मेरा बिजली का काम था वो मोस्टली कम्प्लीट हो चुका है, और टैच जो हमारी आवाज अंदर कमरे में पूरी लग चुकी है। अब मंदिर में लगेंगी, मंदिर में तो मैं भी कंप्लीट होने के बाद लगेंगी शायद, क्योंकि मंदिर कोने में है ना इस वजह से। और जो हमारा बाहर से वाह का बच गया, और वॉल पुट्टी वाले अंकल आए नहीं है। दीवार में आपको दिखाती हूँ, अभी जो जहाँ पे हमने नया पेंट किया था ना, वहाँ से जो भैया आए थे ना बिजली वाले, उन्होंने कुछ लगाया था, मतलब ऊपर वाली जो एम से रनिंग चल रही है, एम से उन्होंने कुछ ज्वाइंट करना था बीच में से। तो मैं दिखाती हूँ, वहाँ से दीवार ही गंदी हो गई। तो ये देखो यहाँ से दीवार देखो आज फिर से गंदी हो गई, वहाँ से कनेक्शन करना था ना, तो यहाँ पर भैया के हाथों पैर लगे थे, तो इसलिए यहाँ से आज फिर से गंदी हो गई है। हम आ चुके हैं ऊपर, ऊपर का देख लो हमारे टायर लगी है, इतनी सी देख लो ये टायर लगी है, टायर लगी रही है। अभी हम दिखाना नहीं चाहते, हमारा कंप्लीट काम हो जाने दो, फिर हम अपना काम दिखाएंगे अच्छे से बिल्कुल एकदम। और पीछे के पर्दे भी ले आकर और सारा कंप्लीट हो जाएगा ना घर, उस दिन दिखाऊंगी मैं सारा। आंटी वैसे तो घर आती है नहीं, ये आज आंटी जी को लेके आए हैं। आंटी जी हमारे सब्सक्राइबर है, तो आंटी कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, मैं सपना दीदी से मिलने के लिए आई हूँ, मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। सबसे सलाइए देख ले, तो ये इनको देखो। और मैं पता है, मैं एक बात बता देती हूँ, मैंने 3-4 दिन पहले ये बोला था, बोलो भैया मेरे सामने थी, लुक रही थी। अरे मैंने 3-4 वाला दिन बुलाई थी, अरे 3-4 दिन तो आई नहीं, मैंने कह दिया इस चिड़ान का दूर बैठ गई, आज के बाद मेरे पड़ोसी ने नहीं बुलाऊंगी। तो यह क्लिप ने मेरे पड़ोसियन देख ली, पिछले पड़ोसियन है वे गुस्सा हो गए, बोले तू ले ले हम हर चीज, मैंने तेरा काम आवा हाँ तू। मैं कहा दीदी सॉरी, मैंने आपका बारे में बोला, या मेरे सामने थी, ये चक्कर में बोला था। और ये देखो ये क्या बैठे हैं, ठीक से बुला दिया है मुझे ना लियो आंटी, तुम्हें कर देगा नाचने का बहुत ले लिया तू नाची जब। आज का व्लॉग हम इसी के साथ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को आगे से आगे शेयर करो।